सो है गाइस, मैं हूँ अथर और आप देख रहे हैं स्केचएक्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फाइनली एएमडी ने अपने फोर्थ जनरेशन के प्रोसेसर्स अनाउंस कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एएमडी ने कौन कौन से प्रोसेसर्स अनाउंस किए हैं, आपको ये प्रोसेसर्स कैसा परफॉर्मेंस देंगे, इनकी प्राइसिंग क्या होने वाली है और ये प्रोसेसर्स आपको कब से अवेलेबल हो जाएंगे। और भाई, अगर मैं अभी आपको बताऊँ तो भाई एएमडी ने भाई तहलका मचा दिया है सच में। भाई इंटेल को कहीं का नहीं रखा है इस बार एएमडी ने। सो हम इस चैनल पे ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सबको मैं ये बता देता हूँ कि AMD के फोर्थ जनरेशन के प्रोसेसर्स का नाम 5000 सीरीज़ रखा गया है, 4000 सीरीज़ नहीं रखा है। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि आपको थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में आपको 15% का IPC गेन देखने को मिला था, पर इस बार थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में आपको 19% का IPC गेन देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ फोर्थ जनरेशन के प्रोसेसर्स 24% पावर इफिशियंट भी है। और इसके पहले जनरेशन में आपको 4 कोर की 2 CCX एक CCD में देखने को मिलती थी, पर इस बार आपको 8 कोर की 1 CCX देखने को मिलेगी एक CCD में, और जिससे आपके परफॉर्मेंस में भी इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो भाई AMD ने अपने लॉन्च इवेंट में 4 प्रोसेसर्स अनाउंस किए हैं। सबसे पहला Ryzen 5 5600X, उसके बाद Ryzen 7 5800X और Ryzen 9 में 2 CPUs अनाउंस किए हैं, Ryzen 9 5900X और Ryzen 9 5950X। तो सबसे पहले बात करते हैं Ryzen 9 5950X की, जो एक 16 कोर और 32 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, जो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। इसमें आपको 4.9 GHz की बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। हाँ, ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि AMD इस बार 5 GHz का मार्क अचीव करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पर AMD ने इस बार अपने सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया है और इंटेल से तगड़ा सिंगल कोर परफॉर्मेंस फोर्थ जनरेशन के प्रोसेसर्स आपको देते हैं। और इसमें आपको 72 MB की कैश देखने को मिल जाती है और उसी के साथ साथ 105 W की TDP इस प्रोसेसर्स की है। सो अब बात करते हैं Ryzen 9 5900X की, जो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। 12 कोर और 24 थ्रेड्स के साथ आता है, 3.7 GHz इसकी बेस क्लॉक है और 4.8 GHz पे टर्बो करता है। ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये आपको देने वाला है। और उसी के साथ साथ इसमें आपको 70 MB की कैश देखने को मिलती है और 105 W इसकी TDP है। और सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो Cinebench R20 का जो इसका स्कोर है वो आता है 631, जो बहुत ही बढ़िया स्कोर है। और ये i9-10900K से अच्छा स्कोर है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है गाइज। तो आप बात करते हैं Ryzen 7 5800X की, जो एक 8 कोर और 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसमें आपको 3.8 GHz की बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है और 4.7 GHz की बूस्ट क्लॉक है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा। इसमें आपको 36 MB कैश भी देखने को मिल जाती है। और इसका जो छोटा भाई होने वाला है, मतलब 5700X, वो अभी लॉन्च नहीं होगा, वो बाद में लॉन्च हो जाएगा। सो बात करते हैं अपने आखिरी प्रोसेसर के बारे में, जो है Ryzen 5 5600X, जो एक 6 कोर और 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। 3.7 GHz की बेस क्लॉक है और 4.6 GHz पे टर्बो करता है। और इसमें आपको 35 MB की कैश देखने को मिल जाती है और 65 W की इसकी TDP है। और जिसका भी छोटा भाई है, मतलब 5600, वो अभी लॉन्च नहीं होगा, वो बाद में लॉन्च AMD करेगा। तो फाइनली AMD ने इंटेल को गेमिंग में बीट कर दिया है। इंटेल के i9-10900K को AMD के कई गेम्स में बीट किया है। आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है, जिसमें कई गेम्स में तो डबल डिजिट में बीट किया है, तो कई गेम्स में सिंगल डिजिट में बीट किया है। और भाई, जो इंटेल के पास एक छोटा सा एज रहता था कि हम गेमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, वो भी इस बार AMD ने छीन लिया है। सो अब मैं आपको हर प्रोसेसर की प्राइस बता देता हूँ।
जो राइजन 5 5600X है वो आपको $300 का देखने को मिल जाता है, राइजन 7 5800X आपको $500 का देखने को मिल जाएगा, और राइजन 9 5900X आपको $550 का देखने को मिल जाएगा। हाँ, पर ये प्राइजेस इंडिया में आने तक इनका प्राइस बढ़ जाएगा, वह इंडिया में आने के बाद इस पर GST लगता है, इसके बाद ये प्राइजेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो गाइज, आपने नोटिस किया होगा कि AMD ने अपने प्रोसेसर्स की प्राइजेस बढ़ा दी गई है, और इससे बहुत लोग डिसअपॉइंट भी है। पर यार मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा है क्या कि परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं दिया गया है और प्राइजेस बढ़ा दी गई, ऐसा नहीं है। आपको इंटेल से अच्छा सिंगल कोर परफॉर्मेंस इस बार आपको फोर्थ जनरेशन में देखने को मिल रहा है, और थर्ड जनरेशन से बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस आपको फोर्थ जनरेशन में दिख रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि इंटेल भाई AMD से कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। वो पहले एडिटिंग में और बहुत से कामों में तो कम्पीट नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार AMD ने जो इंटेल के पास जो गेमिंग का क्राउन था वो भी भाई छीन लिया है। इस बार AMD का राइजन 9 5900X वर्ल्ड्स बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है, जो भाई इंटेल हुआ करता था, इस बार वो AMD ने छीन लिया है। तो भाई इंटेल के पास कुछ भी नहीं रहा है। और आपको ये एक डिफरेंस बता देता हूँ कि इंटेल की अगली जनरेशन भी 14 नैनोमीटर पे होगी, और AMD की 5 नैनोमीटर जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी है वो डिज़ाइन में है। सो भाई मतलब AMD आगे बढ़ रहा है और इंटेल 14 नैनोमीटर से तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको अपना प्रॉफिट नहीं चाहिए? तो भाई AMD भी अपनी प्रॉफिट की तरफ देख रहा है, और जो पहले हुआ करता था कि AMD कम प्राइसेस में अच्छे प्रोसेसर्स लॉन्च करता था, तो अब से ऐसा नहीं होगा जब तक इंटेल AMD को अच्छे से कम्पीट नहीं करता है। सो जितने भी AMD फैंस है वो इंटेल को आप सपोर्ट करो, तभी आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी दोनों में देखने को मिलेगा और अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइस भी देखने को मिलेगी। और एक हो सकता है, अगर इंटेल ने अपने प्रोसेसर की प्राइस अगर गिरा दी तो आपको AMD के ये फोर्थ जनरेशन के प्रोसेसर्स में के प्राइस में आपको थोड़ी हलचल देखने को मिल जाएगी। और ये जो चार मैंने प्रोसेसर बताए, राइजन 5 5600X, राइजन 7 5800X, राइजन 9 5900X और राइजन 9 5950X, ये आपको 5 नवंबर से मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल भी कीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।